हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डायरेक्ट क्लासेस में। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही लंबा समय हो गया, करीबन 1.5-2 महीने हो गए कोई भी वीडियो हमने नहीं डाली। वो किसी काम की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। दोस्तों अब हमारा वादा आपसे कि अब कंटिन्यू वीडियो जाएगी, तो आप चैनल पर वापस बने रहिए, ठीक है। आज की क्लास अपनी वो है साइंस बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, सामान्य विज्ञान के, जो RRB, NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिए है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता। देखिए और जल्दी से आंसर आप सोच लीजिए अपने मन में कौन सा आंसर होगा, सोच समझ कर जवाब देना। देखिए ऑप्शन ए है आपका आंखें, अग्नाशय, लीवर और हृदय। तो बताइए कौन सा अंग है वो कभी आराम नहीं करता। तो आप सभी को पता है वो अपना हृदय है, वो कभी आराम नहीं करता। अगर इसने आराम कर लिया तो फिर अपन क्या है ज़िंदगी भर के लिए आराम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा अंग है जो सोते समय, जागते समय और हर समय यह कभी भी आराम नहीं करता, चलता रहता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये देखिए सामान्यतः रक्त दाब क्या होता है, क्या होता है ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ऑप्शन में देख कर जल्दी से बताइए क्या होता है, कमेंट करके बताइए अगर आपको आंसर आ रहा है तो। और पूरी वीडियो देखने के बाद में ये ज़रूर बताना कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग हम 25-26 के समथिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो सामान्य रक्तचाप क्या होता है, 120 और 80 mmHg, ध्यान रखना 120, यानी कि रक्त दाब अगर ब्लड प्रेशर तेज है तो वह 120 mmHg से तेज नहीं होना चाहिए, और ब्लड प्रेशर लो है तो वह 80 से लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 120 80 mmHg। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, मूत्र में असामान्य घटक कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मूत्र में असामान्य घटक बताना आपको। तो बताइए असामान्य घटक कौन सा है। देखो यूरिया है, केरोटीन है, सोडियम है और एल्ब्यूमिन है। जल्दी बताइए कौन सा घटक है वो असामान्य, मतलब मूत्र करते समय हमें जिस घटक का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हमारे चार ऑप्शन है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा एल्ब्यूमिन, क्योंकि एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन और अंडे से अपन को ये मिलता है। तो दोस्तों ध्यान रखना यह अगर मूत्र में निकल गया तो अपने प्रोटीन किसी काम नहीं आएगा, इसलिए एल्ब्यूमिन है वो आपका असामान्य घटक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मूत्र के पीले रंग का होना किसकी उपस्थिति से होता है। तो ऑप्शन भी लिखे हुए पीत, लसिका, कोलेस्ट्रॉल और यूरोक्रोम। जल्दी बताइए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताने वाला हूँ मैं आपको। तो सबको बताया मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। मूत्र में उपस्थित यूरोक्रोम मूत्र का रंग है वो पीला कर देते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ सही है। ध्यान रखना कई बार क्या होता है ऑप्शन में बी यूरोक्रोम के स्थान पर बी और सी विटामिन दिए हुए रहते हैं आपके, तो ध्यान रखना ये जल में घुलनशील विटामिन है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो बी और सी, और ध्यान रखना बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, इस कारण से यह मूत्र को पीला भी कर सकते हैं। चले दोस्तों आगे देखिए अगले क्वेश्चन में, मानवों में अपशिष्ट पदार्थ है, मानव है वो कौन से पदार्थ, मानव में कौन सा पदार्थ वो अपशिष्ट होता है, मतलब उसका उत्सर्जन करता है, क्योंकि मानव ही नहीं सभी जो प्राणी है वो क्या करते हैं अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, सभी अपने रहने के स्थान के हिसाब से करते हैं। तो आप बताइए जैसा मानवों के हिसाब से यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। देखिए ऑप्शन में बोल देता हूँ, अमोनिया, अमोनिया नाइट्रेट, यूरिया और यूरिक अम्ल। तो यहाँ दो क्वेश्चन और भी बनते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो जल्दी से एक बार आप बता दीजिए। देखिए मिला लेना अपना, जिनका आंसर यूरिया आ रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है यूरिया का त्याग कौन करता है, मनुष्य करता है। और दोस्तों यहाँ पर देखो अमोनिया, सबसे अधिक जल की जिसको आवश्यकता होती है वो अमोनिया का त्याग करते हैं, तो मछलियाँ होती हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में कि मछलियाँ होती है वो किसका त्याग करती है, अमोनिया का त्याग करती है। और यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन है यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल दोस्तों, यूरिक अम्ल जैसे रेगिस्तान वगैरह में रहने वाले जीव जंतु या फिर
जैसे पक्षी वगैरह, ये जिनको पानी की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, मतलब पानी नहीं के बराबर उनको चाहिए, तो गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में ये नाइट्रोजनिक क्षारक या अपशिष्ट है इनका वह उत्सर्जन करते हैं। तो पक्षियों के लिए आ जाए तो आपका यूरिक अम्ल सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर आई मार्क का निशान आपको दिख रहा है कोने पर, तो दोस्तों यहाँ क्लिक करके आप कंकाल तंत्र वाला पूरा वीडियो देख ले, ताकि कंकाल तंत्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। कौन सी हड्डी कहाँ होती है, कितनी हड्डियाँ होती है, सारा का सारा सब का सब उसमें बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल हड्डियाँ लगभग आप सबको पता है कितनी होती है, 206 हड्डियाँ मानव शरीर में होती है। दोस्तों यहाँ एक ऑप्शन है 306, ध्यान रखना नवजात शिशु होता है उसमें 306 हड्डियाँ होती है, ये फिक्स नहीं है, 300 प्लस होती है। ठीक है, अगर 300 प्लस हड्डियाँ वो जुड़ कर कितनी हो जाती है अंत में, 200 व्यस्क होने तक 206 हड्डियाँ रह जाती है। तो ये क्वेश्चन भी अपना क्लियर है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कुल कितनी पेशियाँ मानव शरीर में पाई जाती है। तो आपको बताना है कि कुल कितनी पेशियाँ हैं वो मानव शरीर में पाई जाती है। देखिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। तो कुल कितनी पेशियाँ पाई जाती है, देखो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा 665, 665 पेशियाँ पाई जाती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कई बार 665 के स्थान पर आपको 700 देता है और फिर इसके आसपास कोई ऑप्शन नहीं देता, जैसे 300 देगा, 200 देगा, 100 देगा, इस प्रकार से। तो ध्यान रखना उस कंडीशन में आपका 700 भी सही है और 665 भी सही है। यहाँ आपके ऑप्शन ज़्यादा करीब है, 656 है, 556 है, 665 है। तो ध्यान रखना इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो 665 आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान, अगला क्वेश्चन देखिए, किस शाखा से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन कन्फ्यूजन वाले हैं इसमें। तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट दो, देखो डी और बी तो आप काट ही दो, समय का प्रभाव और व्यक्तित्व है, इस प्रकार का तो कोई होगा नहीं ओडोंटोलॉजी। तो ध्यान रखना यहाँ पर बोन और दांत कौन सा करे, दांतों का अध्ययन, दांत या फिर बोन हड्डियाँ। तो ध्यान रखना ओडोंटोलॉजी है ना, किसका अध्ययन होता है, हड्डियों का, सॉरी बोन्स का, या हड्डियों का अध्ययन होता है, क्योंकि दांत भी तो एक प्रकार की हड्डी है, ये बात ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि मानव में कितने दांत अस्थाई होते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मानव में कितने दांत स्थाई होते हैं। अस्थाई का मतलब होता है जैसे दूधीय दांत बोलते हैं, जो टूटने के बाद वापस आ जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए आप। चलो दोस्तों मैं ही बता देता हूँ, देखिए आपके ऑप्शन है 12, 20, 32 और 16। तो मानव में 20 दांत ऐसे होते हैं जो अस्थाई होते हैं, जो टूटने के बाद वापस से आ जाते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कान की कुल अस्थियां कितनी होती है। भाई जल्दी से बताना, या कान अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने कंकाल तंत्र में बता दिया है, सभी के सभी वीडियोज की, इसमें जो जो क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो है उनकी सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ चेक कर लेना। दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अपने पुराने वाले दोस्त हैं सभी के सभी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और कमेंट करके बताना सारे क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। चलो आपका क्वेश्चन है, तो देखो कान के अंदर, देखो दोनों कान के अंदर तीन तीन हड्डियाँ होती है, इसका मतलब कुल कितनी हड्डियाँ होगी, 6 हड्डियाँ कान में पाई जाती है। ध्यान रखना इन तीनों में भी सबसे छोटी हड्डी होती है, जो पूरे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपीज, ठीक है, ध्यान रखना इसे स्टेप्स भी बोलते हैं, ठीक है, स्टेप्स या स्टेपीज हड्डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़े, चलो देखो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हड्डियों से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी बताइए मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है वो होती है इनेमल। इनेमल दोस्तों ध्यान रखना, जो दांतों की अपनी परत होती है वो इनेमल से बनी हुई रहती है, और जो जबड़े की हड्डी होती है इसे मैंडिबल भी कई बार लिखा हुआ आता है, तो मैंडिबल या जबड़े की हड्डी सबसे कठोर होती है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी रिब्स पाई जाती है। मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है।
पसलियाँ फेफड़ों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है जो अपने चेस्ट में पाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ अपने दोनों फेफड़े पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पसलियाँ होती है, कितनी जोड़ी होती है या कितनी हड्डियाँ होती है, पसलियाँ कितनी होती है, दो प्रकार से क्वेश्चन आता है कि कितनी पसलियाँ होती है, तब तो आपको करना है चॉइस। अगर जोड़ी की बात करें तब आपको करना है 12। तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से जोड़ी पूछा है तो कितनी जोड़ी होगी, 12 जोड़ी। चलो अगले क्वेश्चन में चले। देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी कशेरुका एक खंड होती है। कशेरुका खंड मतलब अपनी कमर की हड्डी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये इससे रिलेटेड आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन है जो मैं अभी दूर कर देता हूँ। देखिए पहले आप कोशिश कीजिए कि आप करेक्ट आंसर तक पहुँच पा रहे हो। लगभग यहाँ पर सभी बच्चों का आंसर होगा 33। ध्यान रखना 33 आंसर होगा जो बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखना एक गले की हड्डी इसमें इंक्लूड होती है। अगर आपको 33 नहीं मिले ऑप्शन में तो आपका 32 करेक्ट होगा। अगर 32 में दोस्तों ध्यान रखना ये 32 हड्डियाँ हैं कशेरुका में पाई जाती है, लेकिन इनमें 6 हड्डियाँ कान की भी जुड़ी हुई है। अगर इसमें आप कान की हड्डी घटा देते हो तो वास्तव में कितनी हड्डियाँ कशेरुका में पाई जाती है, 26 हड्डियाँ पाई जाती है। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है और ऑप्शन कैसे दिए, ठीक है। 26, 32, 33 एक ही आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, दो आंसर एक साथ आपको नहीं मिलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी अस्थियों तथा दांत सामान्यतः किसके बने हुए रहते हैं। सारे ऑप्शन आप चेक करो। ध्यान रखना ये वाला ऑप्शन मैंने जानबूझ कर दिया दोस्तों, यहाँ पर ट्राई कैल्शियम फास्फोरस लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ध्यान रखना अगर इसी ऑप्शन में यहाँ पर सेकंड ऑप्शन अगर कैल्शियम और फास्फोरस होता तो ज़्यादा बेटर आंसर कौन सा होता, वो होता आपका ट्राई कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, ट्राई कैल्शियम और फास्फेट, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस की हड्डियाँ बनी हुई रहती है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं, और जल्दी मैं आपको दांतों का वीडियो ग्राफिक के साथ अवेलेबल करा दूंगा, और साथ में पाचन तंत्र वाले वीडियो में ये बताया हुआ है, ठीक है, दांतों के बारे में, क्योंकि दांत भी पाचन का एक हिस्सा है, इस बात का आप ध्यान रखना। प्राथमिक पाचन मुख में होता है, दांतों द्वारा होता है, ठीक है, उसके बाद में तो इंटेस्टाइन में होता ही है। तो क्या आपका क्वेश्चन कि मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो देखिए मानव में कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है। और देखिए कौन कौन से होते हैं 4, एक तो होता है इंसीजर, फिर होता है केनाइन, फिर होता है प्री मोलर, और फिर होता है मोलर। ध्यान रखना चारों का, ठीक है। आगे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से था कि चीरने फाड़ने का काम कौन से दांत करते हैं। जैसे आप देखते हो जैसे जानवर होते हैं, मांसाहारी जानवर होते हैं, कुत्ते वगैरह, इनमें आप देखते हो 4 दांत, 2 ऊपर 2 नीचे, बहुत लंबे से निकले हुए रहते हैं, वही अपने में भी थोड़े थोड़े से बाहर होते हैं। देखना आप सामने वाले 4 दांतों के बाद में ऐसे दांत 2 निकले हुए रहते हैं, तो दोस्तों वो केनाइन को कृतंक दांत बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि लिंगीय हार्मोन स्त्रावित करती है या सेक्स हार्मोन स्त्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि है वो सेक्स हार्मोन स्त्रावित करती है। देखो सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं, मानव में, मानव की बात करें, मानव के अंदर महिलाएं और पुरुष दो होते हैं, तो पुरुष में तो टेस्टोस्टेरोन होती है और महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होती है। एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को होल्ड रखता है, पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को होल्ड रखता है 9 महीने तक। वो कौन सा हार्मोन होता है आपको बता दिए, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सी ग्रंथि होगी जो इनको एक्साइटेड करती है सेक्स हार्मोन के लिए, तो होगी आपकी अधिवक्र ग्रंथि, अधिवक्र या एड्रिनल ग्रंथि भी इसे बोलते हैं, अधिवक्र ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ पर होती है, पीयूष ग्रंथि शरीर में सबको पता है मस्तिष्क में होती है। यहाँ पर ऑप्शन आपका मस्तिष्क के नीचे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मस्तिष्क के नीचे का मतलब है कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, मटर के दाने के समान होती है, वो होती है आपकी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये भी एग्जाम में आता है कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि है। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि पूछे तो वो है हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस ग्रंथि है शरीर की आधुनिक सबसे छोटी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करती है। आ गया क्वेश्चन आपको समझ में।
बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या बोल रहा है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करती है। तो अभी अभी मैंने बताया कि पीयूष ग्रंथि पर, पिट्यूट ग्लैंड पर कौन नियंत्रण रखता है, इसके स्त्रावण पर कौन नियंत्रण रखता है, तो वो है हाइपोथैलेमस। ध्यान रखना इस बात का, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर की आधुनिक सबसे छोटी ग्रंथि भी है जो भूख प्यास वगैरह को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है, इच्छा शक्ति वगैरह होती है अपनी, उन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बाह्य स्त्रावी तथा अंतर स्त्रावी दोनों तरह का काम करती है, एंड और एक्सो दोनों काम करती है, तो जल्दी बताइए कौन सी ग्रंथि है। दोस्तों इसको शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं, क्योंकि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों स्त्रावित करती है। तो कौन सी है आपको पता है, अग्नाशय। कौन सी है, अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि है वो आपकी कौन सी होती है, बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों होती है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। और इंसुलिन का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है, तो दोस्तों वह अग्नाशय ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों आपको पता है, अभी मैंने बताया था मिश्रित ग्रंथि जो दोनों प्रकार के स्त्रावण करती है, तो वह अग्नाशय ही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि स्तनपायियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबको पता होना चाहिए, जिन दोस्तों का लीवर आंसर होगा, यहाँ पर यकृत आंसर है, बिल्कुल उनका सही है, यकृत, या इसको लीवर बोलते हैं, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़े कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि आपको बताना है, जो हाल ही में एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि 25 नंबर का वहाँ पर आपको साइंस पूछा जाएगा, तो 25 नंबर साइंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइंस में क्या क्या आ सकता है। कम से कम 10 से 12 या 13 14 नंबर तक की बायोलॉजी आती है, जिनमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि वो थायराइड ग्रंथि है आपकी। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। इसकी माप होती है, इसका मेजरमेंट होता है दोस्तों, वो होता है 5x3x2, ये आपका मेजरमेंट है, ध्यान रखना इस ग्रंथि का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, थायराइड ग्रंथि है अंतःस्त्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मतलब नमक कम खाते हो तो थायराइड ग्रंथि है वो नमक के रस को काम में लेती है, आपको पता है सबको। तो एक बात ये देखना, थायराइड ग्रंथि की कमी से गले में ये पाई जाती है, और कौन सा रोग पैदा कर देती है, इसके स्त्रावण की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, गोइटर रोग हो जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है। तो अभी मैंने जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है, मादा सेक्स हार्मोन कौन सा है, प्रेगनेंसी को होल्ड रखने के लिए मादाओं में कौन सा हार्मोन सक्रिय रहता है, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखना, यहाँ पर आप मेरे को बताओगे कि पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है। देखो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन दिया जो महिलाओं के लिए है, इसके बाद में एस्ट्रोजन दिया वो भी महिलाओं में, फिर देखिए टेस्टोस्टेरोन, अंतिम ऑप्शन है इंसुलिन। इंसुलिन तो आपको पता है शुगर, मधुमेह, डायबिटीज को कंट्रोल करने वाला होता है, तो ये तो वैसे भी नहीं है, तो ध्यान रखना टेस्टोस्टेरोन आपका करेक्ट आंसर होगा। टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन की कमी से रोग, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, अभी मैंने आपको बताया आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गले में रोग हो जाता है, घेंगा रोग, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रीट लेवल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, ऐसा रंजक जो मनुष्य शरीर को रंगत प्रदान करता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना दोस्तों, ऐसा रंजक जो मनुष्य शरीर को रंगत प्रदान करता है, मनुष्य शरीर के कलर के लिए कौन सा हार्मोन है, सॉरी हार्मोन कौन सा रंजक है, कौन सा तत्व है जो चाहिए, जो मनुष्य में कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है।
तो बताइए आप, आपके ऑप्शन है मेलानिन, रेडुसिन और है ओडोप्सिन और एंथोसाइनिन। तो जल्दी बताइए, देखो एंथोसाइनिन होता है वो पौधों में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में ओडोप्सिन होता है वो आँखों के रंग के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, मेलानिन, ठीक है। ये जो रंजक है वो आपके कलर के लिए उत्तरदायी है, आपकी चमड़ी के रंग के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि स्तनपायियों में ग्राही या श्वेत ग्रंथि कौन सी है। श्वेत ग्रंथि कौन सी है, यह मिस प्रिंटर मेरे पास, श्वेत ग्रंथि जिसको पसीना ग्रंथि भी अपन बोलते हैं, श्वेत ग्लैंड्स होती है, जिसका आपको बताना है आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आपका सी ऑप्शन देखिए, ताप संतुलन के लिए। देखिए पसीने होते हैं अपने, पसीने किस लिए निकलते हैं कि शरीर का तापमान वो बना रहे। बार बार में पानी पीना और पसीना निकलना क्या है, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों कमेंट करके बताना आज के सारे क्वेश्चन उसमें से आपको कितने आ रहे थे, कितने नहीं आ रहे थे, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास भी हमारी सामान्य विज्ञान की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होगी, जिसमें बायोलॉजी का पार्ट अपन सेकेंड करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों एक बार फिर से सॉरी, बहुत लंबे समय से कोई वीडियोज़ नहीं आई है, अब रेगुलर क्लासेज अपनी आने वाली है। धन्यवाद दोस्तों। Welcome.